Hello everyone, how are you all? Good morning. Today we will learn subject English from standard 3rd English medium. जिसमें आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं लिटल टाइगर बिग टाइगर. ओके, देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब. दे लिव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल. तो एक जंगल था बहुत ही घना सा, उसमें एक मदर टाइगर रहती थी और उसका एक छोटा सा बच्चा रहता था. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. और जब रात हो जाती थी, जब अंधेरा हो जाता था, तब जो मदर टाइगर थी वो शिकार करती थी डियर का और पिग का. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड. और जो टाइगर कब था, जो बीबी बच्चा था, जो उसका छोटा सा, वो उसके बाजू में ही रहता था, उसके पास ही रहता था. वेन द लांगूर मंकी सो हर ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल, वॉच आउट अ टाइगर ही इज कमिंग. द सांबर डियर बिलोड एंड ककर डियर बार्क एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे. सो जैसे ही वो लंगूर जो मंकी है वो देखता है कि टाइगर आ रहा है, तो वो बहुत ही लाउड से वो कहता था कि जो टाइगर है वो आ रहा है. और सारे जो प्राणी है, डियर और जो अलग अलग जो प्राणी अंदर है, वो सब अपनी अलग अलग जो आवाज़ें वो निकालते थे. और समटाइम्स द गेम गॉट अवे. गेम, तो यहाँ पे गेम का मीनिंग क्या है, शिकार. तो कुछ बार तो क्या हो जाता, जो शिकार था वो चला जाता था. सी हंटेड देन फॉर जंगल फोल फॉर फेसन एंड फॉर फ्रॉग. और जब उसे वो शिकार नहीं मिलता था, वो फोल का मीनिंग क्या होता है, पक्षी का शिकार करती थी. या फेसन का मीनिंग होता है तीतर, जो पक्षी आता है तीतर का. और जो फ्रॉग मेढक का वो शिकार करती थी. और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, और नदी के पास भी जाती थी क्योंकि शिकार करने. बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता था. इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेट फॉर द डाउन. अगर मून, जो चांद है, अगर वो बहुत ही ब्राइट है, अगर उसमें से अभी भी रोशनी आ रही है, वो चमक रहा है, तो वो जो मदर टाइगर थी वो क्या करती थी, तो वो लेट जाती थी और डाउन का मीनिंग क्या होता है, डॉन का मीनिंग क्या होता है, अंधेरे होना, रात होने की वो वेट करती थी. सी ट्विस्ट द टिप ऑफ हर टेल, और अपनी जो पूंछ थी वो उसे हिलाती थी. एंड द टाइगर कब पाउंस ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. और जो टाइगर, जो उसका छोटा बच्चा था, वो क्या करता था, उस पर अगेन और अगेन क्या करता था, तो वो झपटता था उस पर. वो क्या करता था, तो उस पूछ को है उसे वो झपटता था. उसके बाद इफ ही वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट. अगर जो छोटा सा बच्चा है, अगर वो कहीं दूर चला जाता था, तो जो मदर टाइगर थी वो क्या करती थी, तो एकदम धीरे से आवाज़ लगाती थी अपने बेबी को. द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट. लेकिन जो छोटा बच्चा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपने मम्मी के पास रहे. जब रात का टाइम हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अपने मम्मी के पास रहे. वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज हर आइज. एक रात की बात है, क्या हुआ था एक रात को, कि वो बहुत ही थक गई थी. टायर मीन्स थक जाना, बहुत ही थक गई थी और अपनी आइज उसने क्लोज कर दी थी. द टाइगर कब सो अ टाइनी फ्रॉग होपिंग अलोंग द ग्राउंड. और जो टाइगर कब है, जो छोटा सा बेबी है, वो एक छोटे से फ्रॉग को दिखता है ग्राउंड पे. द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग होप्ड अवे. जो छोटा बच्चा है वो पाउंस मीन्स झपटना, वो जो फ्रॉग है उस पर झपटता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हाथ में उसके आता. बट द फ्रॉग होप्ड अवे, लेकिन वो होप में उसको कूदते हुए चला जाता है. ही चेस द फ्रॉग एंड कॉट इट. लेकिन वो जो बेबी कब है, वो क्या करता है, उस फ्रॉग को चेस करता है और उसको कॉट मीन्स के पकड़ लेता है. एंड टर्न टू शो हिज मदर, और वापस जाता है अपनी मदर को दिखाने के लिए. बट सी वॉज नॉट इन साइड. लेकिन जहाँ पे वो थी वहाँ पे अब वो नहीं थी. जिस जगह पे उसकी मदर थी वहाँ पे अभी वो मदर नहीं थी. इंस्टेड ही शो अ टाइगर, उसके बदले उसने क्या वहाँ देखा, एक टाइगर देखा बिगर देन हिज मदर नियर इन द जंगल. उसकी मम्मी से भी बहुत ही बड़ा सा जंगल में उसने एक बड़ा सा टाइगर देखा. द टाइगर्स ग्रीन आइज
क्लिस्टन एज ही वॉच द टाइगर कब, और जो टाइगर की जो जो बड़ा टाइगर था उसकी जो आँखें थी वो बहुत ग्लिस्टन उसके बहुत ही चमक रही थी और धीरे से देख रही थी उस टाइगर कब को। द टाइगर कब वॉज फाइंटेड, और जो टाइगर कब था वो क्या हो जाता है, बहुत ही डर जाता है, बहुत ही घबरा जाता है। ही कुड नॉट हाइड और रन, और वो ना भाग सकता था और ना ही वो छुप सकता था। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, और उसने क्या किया, वो जो फ्रॉग था उसके हाथ में उसको जाने दिया। द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द लिटल टाइगर कब, और जो बड़ा सा था वो टाइगर था वो छोटे से टाइगर के नज़दीक आ रहा था। बट अ रॉर फील्ड द जंगल एंड रॉर ऑफ मदर टाइगर, बट अ रॉर फील्ड द जंगल द रॉर ऑफ द मदर टाइगर, लेकिन उतने में क्या होता है कि जो उसकी मदर टाइगर थी वो उसकी रॉर सुनाई देती है पूरे जंगल में। सी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, और जो बड़ा टाइगर उसकी मदर को देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द मदर एनिमल्स इन द जंगल दैट सी वॉज देयर। मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट सी वॉज देयर, और जो मदर टाइगर थी उसे रोर करना मस्के गरजना बहुत ही पसंद था बहुत ही ज़ोर से, और वो सबको बताना चाहती थी कि देखो जो मदर टाइगर है वो अभी भी वही है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, और जो दूसरे एनिमल थे वो बहुत ही दूर दूर रहते थे। के बाद द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर अ लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल डेट ही वॉज देर, और जो छोटा सा कब जो बीवी कब था उसे भी करजना रोर करना बहुत ही पसंद था, वो भी सबको कहना चाहता था कि देखो इस जंगल में जो कब है वो भी वहीं पर ही है। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे, लेकिन वहाँ पे जंगल में से कोई भी एनिमल नहीं था जो उनसे डरता था और ना ही कोई ऐसा था जो जंगल छोड़ के जाता था। बट देर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज फुल ग्राउन टाइगर, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जो छोटा सा बच्चा है जो बेबी टाइगर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ही वॉक्ड माइल्स अलोन हंटिंग फॉर गेम्स एट नाइट, और वो बहुत ही माइल बहुत ही दूरी तक जाएगा अकेले में और जो गेम मतलब शिकार है उनका शिकार करेगा। व्हेन ही रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल डेट ही वॉज देयर, और वो रोर करेगा तब ऑल एनिमल्स जंगल में जो है उनको पता चलेगा कि वो वहाँ पर है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केयर फार फार अवे, और जो बाकी के जो एनिमल्स है जंगल में वो सारे दूर दूर रहेंगे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर डेट हैड बीन अ स्मॉल टेल टाइगर कब हियरिंग हिज ओन लाउड रोर स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, और एंड द ग्रेट बिग टाइगर डेट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, अब जो एक बड़ा सा टाइगर है जो एक छोटा सा बच्चा है वो जब अपनी आवाज़ खुद सुनेगा जब अपना जो रोर है वो खुद सुनेगा तो वो बहुत ही अच्छी सी अपने आप को खुद को स्माइल देगा। ओके सो ये थी हमारी स्टोरी लिटिल टाइगर बिग टाइगर। ओके स्टूडेंट्स नाउ अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। ओके न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है शेडी, शेडी का मीनिंग होता है बहुत ही छायादार। ओके उसके बाद है बिलोंग का मीनिंग होता है गरजना चिकरना। ट्विस्ट का मीनिंग होता है सटके से खिंचकना एकदम खींचना सटके से खींचना। ओके उसके बाद है पाउंस्ट का मीनिंग होता है चमकना। उसके बाद है ग्रंट का मीनिंग होता है असंतोष का शब्द। गेम का मीनिंग होता है शिकार। उसके बाद है ग्लिस्टेन का मीनिंग होता है चमकना दमकना। उसके बाद है रोड मीन्स गर्जना करना। उसके बाद है फिशन का मीनिंग होता है तीतर पक्षी जिसे फिशन कहते हैं। उसके बाद है फोल का मीनिंग होता है पक्षी। ओके उसके बाद है रीडिंग इज फन, उसमें क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव, जो मदर टाइगर थी और जो बेबी टाइगर था वो कहाँ पे रहता था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नियर अ रिवर। कहाँ पे वो लोग रहते थे, रिवर के नज़दीक में रहते थे। व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वॉज डार्क, जब अंधेरा हो जाता था तो जो
मदर टाइगर थी वो किसका शिकार करती थी? सो किसका करती थी? ऑप्शन नंबर सी, डियर एंड पिग्स का शिकार करती थी. ओके, उसके बाद है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट. व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, मतलब एक दिन जो टाइगर कब था उसका जो छोटा बीवी था उसने क्या पकड़ा? डियर, पिग, फ्रॉग, कैट, क्या पकड़ा था? तो एक टाइनी से फ्रॉग को पकड़ा था. ओके, उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द लिटल टाइगर कब व्हेन ही चेस द फ्रॉग, मतलब जो लिटल टाइगर था उसने जो फ्रॉग है उसको चेस किया था तो उसके साथ क्या हुआ? सो आंसर इज व्हेन द लिटल टाइगर चेस द फ्रॉग एंड ही वॉज रिटर्निंग बैक अ बिग टाइगर कैम इन हीज वे. जब वो फ्रॉग को चेस कर रहा था तब, और जब वापस आ रहा था तो उसके रास्ते में कौन आता है? तो एक बड़ा सा टाइगर आता है. ओके, उसके बाद है वॉल बिल्डिंग. इसमें क्या करना है? मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. तो यहाँ पे एनिमल्स है उसके छोटे से बच्चे को हम क्या कहते हैं वो हम यहाँ पे मैच करना है. लाइक हॉर्स, तो हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं? डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? वो हमें यहाँ पे मैच करना है. तो फर्स्ट इज हॉर्स, तो हॉर्स के बच्चे को क्या कहेंगे? कॉट. क्या कहेंगे? कॉट. उसके बाद है डॉग, डॉग के बच्चे को हम क्या कहेंगे? सो पपी. उसके बाद है कैट, कैट के बच्चे को हम क्या कहते हैं? किटन. ओके, उसके बाद है काऊ, काऊ के बच्चे को क्या कहेंगे हम? काफ. उसके बाद है पिग, तो पिग को क्या कहेंगे? पिगलेट. क्या कहेंगे? पिगलेट. ओके, उसके बाद है टाइगर, टाइगर के बच्चे को क्या कहेंगे? कब. हमने अभी स्टोरी में पढ़ा टाइगर के बच्चे को क्या कहेंगे? कब. उसके बाद है शिप, तो शिप के बच्चे को हम क्या कहेंगे? लैम. उसके बाद है गॉट, गॉट के बच्चे को क्या कहेंगे? कीड़. ओके, गॉट के बच्चे को कीड़ कहते हैं. उसके बाद है डग, तो डग के बच्चे को क्या कहेंगे? डकलेट. ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टैंडर्ड थ्री में? तो आज हमने स्टैंडर्ड थ्री में स्टोरी पढ़ी लिटल टाइगर एंड बिग टाइगर, और उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने उसके न्यू वर्ड्स देखे सारे, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से देखे, और उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड विनिंग जिसमें मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. हमने एनिमल्स को उसके यंग वंस मींस के उसके बच्चे के साथ ज्वाइन करना था जिसको हमने किया. ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है. हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक यू टू माय ऑल स्टूडेंट्स.